नमस्कार दोस्तों, कूल माइंड चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त दवि। तो आज हम बात करेंगे फेसबुक के फोटो अपलोडिंग के बारे में। एक ट्रिक मैं आपको दूंगा दोस्तों। देखिए, आप जब भी कोई फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो फोटो अपलोड करने के बाद वैसा नहीं रहता जैसा कि आप उसे क्लिक किए थे, आप उसको फोटो को खींचे थे। तो मोबाइल में वो आपका फोटो जो है बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, उसकी एक अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप उसको फेसबुक में अपलोड कर देते हो तो उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार सी हो जाती है और वो बहुत ही धुंधला हो जाता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेसबुक में लगभग डेली जो है 35 करोड़ नए फोटोज़ रोज़ अपलोड होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों चांसेस होते हैं कि फेसबुक का जो सर्वर है वो थोड़ा ज़्यादा उसको डाटा जो है स्टोरेज करेगा, तो उसके स्लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ तक कि वो क्रैश भी हो सकता है। दोस्तों, इसी वजह से क्या होता है कि देखिए, आप जैसे ही कोई फ़ोटो अपनी हाई क्वालिटी में जो है वो डालते हैं फेसबुक में, तो फेसबुक को उस फोटो को खुद ही लो क्वालिटी में कंप्रेस कर देता है। दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप अपनी फ़ोटो को हाई क्वालिटी में अपलोड करना चाहते हैं, मतलब जैसा कि आपने मोबाइल में क्लिक किया आप चाहते हैं वैसा का वैसा फ़ोटो जो है वो फेसबुक पे जाके शो हो, तो आपने ये कुछ टिप्स जो है और ट्रिक्स अपनाने हैं जिसकी वजह से आपके फ़ोटो का टोटल भी क्वालिटी नहीं बिगड़ने वाली। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक जो भी फ़ोटो की डिफ़ॉल्ट साइज़ जो भी लेता है तो उसमें 720 पिक्सल या 920 पिक्सल या 2048 पिक्सल है। दोस्तों, फोटो का ये साइज अगर कवर की बात करें तो 851 या 315 पिक्सल है। और साथ ही दोस्तों, आपको पता ही है, मैंने जैसे कि बता दिया कि फेसबुक आपकी हाई क्वालिटी फ़ोटो को कंप्रेस करके उनकी क्वालिटी गिरा देता है। तो आपने दोस्तों इससे कैसे बचना है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको फिर से कुछ टिप्स। तो फोटो को अपलोड करने से पहले आपने किसी इमेज को एडिट करना है दोस्तों, और उसको डिफ़ॉल्ट साइज़ में सेव करना है। तो डिफ़ॉल्ट साइज़ मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों कि आपको या तो 720 पिक्सल या 920 या 2048 इसलिए बोल रहा हूँ मैं पिक्सल में आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा तरीका आपके पास ये है, यहाँ पे पहले तरीका अपनाने से आपकी फ़ोटो बहुत हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप कंप्रेशन से बचने के लिए दोस्तों अपनी फ़ोटो का जो साइज़ है वो 100 KB से कम कर रखें, ठीक है दोस्तों? क्योंकि आपकी फ़ोटो का साइज़ जैसे ही बड़ा होगा तो फेसबुक जो है उस फोटो को कंप्रेस कर देगा, लेकिन आपकी फ़ोटो का साइज़ अगर छोटा होता है दोस्तों, 100 KB से छोटा है, तो आपकी फ़ोटो क्लियर आएगी वहाँ पे अपलोड करने के बाद भी। दोस्तों, चलिए बात करता हूँ तीसरी टिप की। तो फेसबुक आपको sRGB कलर प्रोफाइल के साथ, मतलब आपने कोई कलर प्रोफाइल जो है फ़ोटो डालनी है तो आप में उसको वो बोलता है कि आप JPEG फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करो। दोस्तों, JPEG फॉर्मेट क्या होता है आपको पता होगा, फ़ोटो के पीछे में आपने देखा होगा कि डॉट लगा के लिखा होता है JPG या .GIF। दोस्तों, ऐसे में आपको वो जो फ़ोटो है वो सेव करनी है JPEG, मतलब आपकी फ़ोटो के नाम के पीछे जो लास्ट में आपने दोस्तों फॉर्मेट देखा होगा तो वो आपको बदल के जो है JPEG करनी है। तो दोस्तों, ये आप एप्लीकेशन से भी बदल सकते हो या किसी के मोबाइल में आप मैनुअली जो है लिख के भी बदल सकते हैं इसे। तो ये मेरे मोबाइल में तो लिख के भी बदला जा सकता है, तो बहुत से एंड्रॉयड में लिख के भी आप फ़ोटो के लास्ट में अगर JPEG लिखा है तो आप वहाँ पे उसको हटा के JPEG कर दें। दोस्तों, आपको चौथी ट्रिक्स मैं बताता हूँ, फ़ोटो अपलोड करते वक्त हाई क्वालिटी चेकबॉक्स टिक करना ना भूलें। ये बॉक्स दोस्तों आपको अपलोडिंग की विंडो में बाईं तरफ दिखता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आप फ़ोटो जैसे मान लीजिए फेसबुक के एप्लीकेशन से जब भी डालोगे, आप वहां से डालें क्योंकि ब्राउज़र में मैंने ये ऑप्शन कम ही देखा है, तो आप वहां पे एक हाई क्वालिटी का चेकबॉक्स आता है तो उसको आप टिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो फ़ोटो है वो हाई क्वालिटी में सेव होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है दोस्तों तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो आप बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक।